बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस वक्त हमारे साथ में हैं। बड़ौली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। नमस्कार, आपको भी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, जय श्री राम। बड़ौली जी, 1 बजे तक लगभग 36.5% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, क्या उम्मीद मानकर चल रहे हैं? इस बार बंपर वोटिंग होगी और ये बंपर वोटिंग किसके हक में हो रही है? आज विधानसभा के चुनाव हरियाणा में है और एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के फूल का बटन दबाकर लोग भारतीय जनता पार्टी को सुबह से ही 7 बजे से जो रुझान चले हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। पिछली बार वोट शेयर बढ़ा लेकिन सीट नहीं बढ़ी, इस बार क्या मानकर चल रहे हैं, वोट शेयर और सीट दोनों बढ़ेंगी? अब की बार वोट परसेंटेज जो वोटिंग पोलिंग का वो भी बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का भी बढ़ेगा और सीटें भी बढ़ेंगी। स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बनेगी और ये हरियाणा प्रदेश की जनता का मूड हमेशा ऐसा ही रहा है। जिस पार्टी का शासन दिल्ली में होता है उसी की सरकार हरियाणा में भी होती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है, हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया है। एक तरफा वातावरण आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ा। नांगल चौधरी में, नारनौंद में, नूह में, नारनौंद नूह के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता थे आपस में भिड़ गए, खून खराबा तक होने लग गया, यहां तक कि बूथ कैप्चर की खबर भी हरियाणा चुनाव में आ रही है, ये किस ओर इशारा कर रही है? ये कांग्रेस पार्टी का स्वभाव रहा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसी प्रकार से हार से बौखलाहट में है, वो हार से बौखलाए हुए है, उनके उम्मीदवार झगड़े कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता झगड़े कर रहे हैं। कालका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बूथ के आगे अपनी कुर्सियां डाल के बैठ गई और महम के अंदर एक उम्मीदवार के कपड़े फाड़ दिए। अब जुलाना के अंदर हमारे उम्मीदवार के साथ कैप्टन योगेश के साथ उन्होंने इसी प्रकार से किया है। मदीना गांव है महम में, वहां उन्होंने झगड़े किए। बहुत सारे ऐसे शिकायतें कांग्रेस की आई और कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा की जनता का आशीर्वाद लेके बैठी, पर कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि 90-90 सीटों पर हम लड़ रहे हैं और 90 की 90 जीतने का दम हम रखते हैं। ये कांग्रेस जो बयानबाजी कर रही है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को देखा है किस प्रकार से गुआड़ा मिर्चपुर कांड जैसे हुए और हरियाणा को आग में झोंकने का काम जो हुड्डा साहब ने किया था, हुड्डा साहब को हरियाणा की जनता जवाब देगी। 2014 और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया था, 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता आशीर्वाद देकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। पर सवाल इस बार ये है कि बीजेपी अगर ये दम भर रही है कि हम चुनाव जीतेंगे तो क्या सिर्फ अपने काम के नाम पर या फिर जो जातिगत आधार पर अपना सियासी गणित बिठाया उस आधार पर इस बात को मानकर चल रही है कि हम फिर सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकारें बनती है, हम विकास के नाम पर और कानून व्यवस्था सबको, गरीब को न्याय देने के काम हम करते हैं और लगातार हरियाणा प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो जनता का और मुख्यमंत्री का प्यार प्रेम मिलना जुलना जिस प्रकार से हुआ है उसी का ये परिणाम है। और 56 दिन का जो थोड़ा समय उनको काम का मिला है, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि लंबे समय तक नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इसी प्रकार से जनता की सेवा करते। सावित्री जिंदल सहित 4 आज अपने नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, जिस दिन उम्मीदवारी वापस ले ली थी तब तक आपने एक्शन नहीं लिया और आज ये जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन एक्शन लेने की क्या खास वजह? ये बिल्कुल फेक न्यूज जिसने चलाई है उसकी जांच होगी। ये किसने, पार्टी का कोई फैसला नहीं था ना हमने कोई लेटर जारी किया। अच्छा, ये फेक न्यूज किसी ने एडिट करके ये चलाई है, अपना लाभ लेने के लिए चलाई है, इसकी जांच बाद में होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि नेताओं को पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है?
पार्टी की तरफ से कोई इस प्रकार का पत्र जारी नहीं है। और अगर नहीं किया गया तो फिर आपके ऊपर एक आरोप ये लगे कि फिर आपने कई जगहों पर अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को बाहर से सपोर्ट दे दिया कि वहां पर आप नहीं जीतेंगे तो ये जीतेंगे, टिकट नहीं दे पाए तो भारी समर्थन दे दिया। इन आरोपों में कितनी हकीकत है? ये आरोप किसने लगाए? ये आरोप लगाने वालों की मानसिकता देखिए आप, कौन आरोप लगा? हमारे 89 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, 89 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सिरसा की सीट पर हमारा समर्थन है और जहां जहां भी कमल का फूल है वही भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए लड़। अच्छा, अभी तो कुमारी सैलजा को आप अपनी पार्टी में न्योता दे रहे थे जिस दौरान में हुड्डा और सैलजा के बीच की दूरियों की खबर तमाम आ रही थी, लेकिन अभी अशोक तंवर आपके पास से इनके पास आ गए एक बार फिर से, इसका क्या नुकसान होगा पार्टी को? क्योंकि एक तरीके से आप लोग ये प्रदर्शित कर रहे थे कि देखिए दलितों का अपमान कांग्रेस में होता है, लेकिन क्या अशोक तंवर के कांग्रेस में आ जाने से बीजेपी कोई नुकसान मान रही है खुद के लिए? अशोक तंवर के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया था और जिस प्रकार से हुड्डा जी पे सीधे आरोप लगे थे, सिर फोड़ने का, हड्डी तोड़ने का, वो सारे देश की जनता ने देखा है। उसके बाद अनेक पार्टियां उन्होंने बदली, कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मान सम्मान देते हुए उनको चुनाव लड़वाया। आज वो दोबारा से उसी पार्टी में गए हैं और जिन लोगों ने उनका सिर फोड़ने का काम किया था उन्हीं की शरण में गए हैं। ये उनका अपने विवेक का फैसला है, अपना फैसला है, समय आने के बाद वो अपनी इस बात को उजागर करेंगे। बड़ोली साहब, 2014 के चुनाव में जब बीजेपी पहली बार बहुमत का आंकड़ा हासिल करती है उस दौरान में चार अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नेताओं का नाम प्रवाहित हो रहा था और उस दौरान में आपको बहुमत का आंकड़ा मिला। दूसरी बार आपने मनोहर लाल के नाम पर चुनाव लड़ा लेकिन उस बार आप लोग बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गए। इस बार एक चेहरा है नायब सैनी जिनके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, क्या मानकर चलते हैं? उनके नाम पर हरियाणा की चारों दिशाओं से आप पर वोटों की बारिश होगी? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी की ने फैसला लिया 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसका नेतृत्व नायब सैनी जी करेंगे और दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। दूसरी पार्टियों में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर ये आता है कि 14 के चुनाव की अगर बात करते हैं, क्योंकि 14 के चुनाव से बीजेपी का ये मानकर चलिए कि जो ग्राफ था वो लगातार बढ़ता गया, 14 के चुनाव में कांग्रेस के बहुत सारे नेता आपकी तरफ आए और इस बार कांग्रेस के वो नेता फिर से वापसी हो गए। बीरेंद्र सिंह की बात करें, हालांकि किरण चौधरी, श्रुति चौधरी आपके साथ में आ गए लेकिन अशोक तंवर भी उधर हो लिए और इस तरीके से कई नेता जा रहे हैं और इन नेताओं को खासतौर पर वो नेता कहा जाता था मौसमी कि ये पहचान कर लेते हैं कि इस बार सूरज की किरणें कहां ज्यादा पड़ने वाली हैं, तो इसका क्या आकलन है आपकी निगाह में? ये हमारी निगाह में इनके बारे में कोई आकलन नहीं, ये अपने स्वार्थ की राजनीति करते रहे हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अपने स्वार्थ के चक्कर में कभी उधर कभी इधर वो जाते रहे हैं, कैसा रिकॉर्ड रहा है, अनेक पार्टियां बदलने का रिकॉर्ड रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक सोच के साथ, एक विचार के साथ देश के लिए राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आज पूरी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के इस चुनाव को लड़ा है और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आप के जितने भी रिपोर्टर फील्ड में होंगे सब यही जानकारी आपको देंगे कि एक तरफा माहौल आज भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में। अच्छा, आज अजय चौटाला कह रहे थे बार बार दोहराते हुए कि सत्ता का जो ताला है वो हमारी चाबी से खुलेगा, इसका क्या आशय है? और एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ पिछली बार जाके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे को तो लगता नहीं है कहीं उनका खाता भी खुलेगा, जो खाता ही नहीं खुलेगा तो वो करेंगे। अगर उनका खाता नहीं खुलता तो इसका मतलब ये हुआ स्पष्ट तौर पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बाकी आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, एएसपी हो, एनएलडी हो, इनको भी कई मुकाबले में मानते हैं? वो कोई मुकाबले में नहीं है, एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
तीसरी बार हरियाणा में आ रही है। आज अब तक के जो रुझान है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लोग मन बना चुके हैं। अब लोगों का मन बदलने वाला नहीं है, अब तो लोग फैसला कर चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के बटन को दबाकर हमारे उम्मीदवार को जिताने का काम है। तो ये आंकड़ा कितना होगा इस बार? अब की बार कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 पर बातचीत के लिए। तो ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका ये दावा है कि इस बार के मुकाबले में 62 सीटें, 90 में से 62 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। देखिए, बहुत ज्यादा इंतजार अब नहीं करना।